उनको। मैं समझता हूँ कि जहाँ जितने छात्र पढ़ रहे हैं 150 के करीब यहाँ पर छात्र हैं, 100 के करीब यहाँ पर टीचर, तो आज जो सबसे बड़ी समस्या सुनिए में आने वाली है वो पीने का पानी। तो एक सेव वाटर उसके ऊपर मेरा ये एक लेक्चर था। तो आज छात्रों से एक प्रॉमिस लिया है कि हम रोज़ 1 लीटर पानी बचाएंगे, और रोज़ 500 लीटर पानी यहाँ बचेगा तो मल्टीप्लाई होता होता कि 1000 लीटर में चला जाएगा। आने वाला जो महापुरुष बोलते हैं, किताबों में लिखा है कि आने वाला समय जो विश्व युद्ध है वो पानी के ऊपर होगा, तो हमारा योगदान रहे कि उस विश्व युद्ध को हम पोस्टपोन करवा पाएँ, पानी बचाएं। आज से ही मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप सब भी इस मूवमेंट में जुड़ें और सेव वाटर के ऊपर आप जो है वो अपने आप को भी इन्वॉल्व करें। इससे बहुत बड़ा जो लाभ है वो दुनिया को होगा। विधानसभा चुनाव भी है सर, आप जिला कांगड़ा के दौरे पर हैं, किस तरह से संगठन को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है? देखिए, मैं यहाँ पर 4 दिन के प्रवास पे रहूँगा, दौरे में यहाँ धर्मशाला, उसके बाद मंडी जिला में। पहले तो 24 को हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और देश में पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री किसी मोर्चे की रैली में आए। तो मोर्चा अपने दमखम पर 1 लाख युवाओं को, 40 साल के कम जो कार्यकर्ता है उनको वहाँ मंडी में लेके जाएगा, और देश के प्रधानमंत्री उनको संबोधित करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि जो पॉलिटिकल मैसेज भी उससे जाएगा वो है कि हमारी क्षमता का, हमारी ताकत का उसमें पता लगेगा कि हर बूथ से 20 कार्यकर्ता वहाँ पर जाएंगे और 1 लाख से ज़्यादा संख्या वहाँ पर होगी। दूसरा, हमारा 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक एक 15 दिन का ये कार्यक्रम है, उसमें देश के प्रधानमंत्री का हमने जन्मदिन मनाया, युवा मोर्चा ने ब्लड डोनेशन की, उसके बाद 25 को हम मन की बात उनकी सुनेंगे, और साथ में श्री दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन को भी मनाएंगे। 2 अक्टूबर को हम लोग अपने देश के महापुरुष महात्मा गांधी जी, उनका जन्मदिन, और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन मनाएंगे। ये दोनों कार्यक्रमों को लेकर मेरा ये प्रवास चल रहा है। और दूसरा, हमारे बूथ अध्यक्ष BLA और बूथ पालक, उनका जो क्या योगदान है अपने बूथ को मजबूत करने के लिए, हर बूथ पे मैं जो मीटिंग ले रहा हूँ, ये जगह जो हमने ग्रेडिंग की है वो सबसे कमज़ोर बूथ है वहाँ भी जाना हुआ, तो सबसे मजबूत बूथ है वहाँ भी जाना हुआ। तो मजबूत बूथ जहाँ पर 100% वोट हम लेके इस चुनाव में आएंगे, जो सबसे कमज़ोर बूथ है वो मजबूत बने, उसके लिए हम प्रयास करें। जो आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस की ओर से भी जो नवरात्र में प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी, भाजपा कब तक अपने प्रत्याशी घोषणा? देखिए, हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है, हमारा चुनाव हमारा संगठन लड़ता है, हमारा संगठन वहां तक कड़ा है जहां से चुनाव जीता जाता है, बूथ लेवल तक कड़ा है। तो हमारी एक प्रक्रिया है, हम उस प्रक्रिया को पूरा करके अपनी इन सूचियों को जारी करेंगे। जो प्रवास में जो फीडबैक आएगा वो हम बैठ के डिस्कस करेंगे, उस हिसाब से ही जो है हम कैंडिडेट तय करेंगे। मंडल में जहां देखने में आए जो नेता कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, वहां पर मंडल जो है उन्हें एडजस्ट नहीं कर पा रहे, जा नहीं पा रहे, इस सारे दिन को कैसे? देखो, इस समय पार्टी का रूप सबूत बदल चुका है, लोगों के लिए स्पेस हमारी पार्टी में है, और कार्यकर्ता भी पता है कि कोई पार्टी में आता है तो उसको टिकट जरूरी नहीं कि उसको ही टिकट मिले जो पार्टी में आया है, उसका एक प्रोसेस है, सबको उस प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। मंडी से लेकर प्रदेश से लेकर पार्लियामेंट बोर्ड जिसके ऊपर मुहर लगाएगा उसको ही टिकट मिलेगी। कांगड़ा में भी सर देखा जाए तो जो आपके जिला परिषद है और पार्टी के पुराने कार्यकर्ता कुलभा चौबीस जो है आज़ाद चुनाव लड़ने की बात जो है वो कह चुके हैं कि पार्टी नहीं देगी, ऐसी बात नहीं है, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत चल रही है, कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो पार्टी के खिलाफ जाएगा। और हमारे यहाँ सबको समझाने का, सबसे बात करने का सिस्टम भी है। कल मैं कांगड़ा में था तो कांगड़ा में मैं सब लोगों को मिला हूँ, जो वहाँ के हमारे चेयरमैन हैं, ब्लॉक समिति के भी, जिला परिषद के मेरे साथ थे, और पार्षद सब मेरे साथ थे, मंडल और सभी लोग, हम बूथों पे गए हैं, हमने साथ ही काम किया है, और साथ ही सब लोग इकट्ठे होकर जगह रैली की तैयारी में सब जुटे हैं। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं सर, और राष्ट्रीय प्रवक्ता अलकलामा ने भी कहा है कि जो प्रदेश की भाजपा सरकार है वो कठपुतली सरकार है, और खास करके 4 लेन की यदि बात की जाए तो 4 लेन में किसानों के साथ जो है धोखा हुआ है मुआवजे को लेकर 5 साल तक। जहाँ तक कठपुतली की बात है, शायद अलका को
नेशनल पार्टी के सिस्टम का पता नहीं। हम केंद्रीय पार्टी और राज्य पार्टी एक ही माला के मोती हैं, इसलिए किसी का कठपुतली गहन बनना ये उनकी सोच हो सकती है, क्योंकि उनकी कठपुतलियाँ बहुत हैं, उनको हर समय कठपुतली याद आती है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, अपने विवेक से काम करते हैं और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश होता है उसको मानते हैं और उसको नीचे तक ले जाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आज देश में राज करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जो बात अलका जी ने कही है कठपुतली, जहाँ कठपुतलियाँ हैं वहाँ पर वो डे बाई डे अपना जनाधार खो रही है। फोर लेन को लेकर के जो है 5 साल तक आरोप है कि लोगों को ठगा है और कांग्रेस आएगी तो 4 गुना मुआवजा देगी। देखिए वो देंगे कहाँ से, जब उनकी सत्ता ही नहीं आएगी, जब उनका सरकार में ना केंद्र में सरकार है ना यहाँ सरकार है, कहाँ से देंगे। एक बार पूछ तो लो उनसे भाई, आपके पास है क्या जहाँ से देंगे, अपना पर्सनल फंड दे देंगे या कहीं और से देंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी अन्याय नहीं करेगी, सबसे न्याय करेगी।